नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। रेलवे एएलपी के फॉर्म भरने के लिए आपके क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट चाहिए उन सभी के बारे में मैं बता दे रहा हूं। तो जिनके पास कोई पुराना डॉक्यूमेंट है इनमें से, तो वो ज़रूर चेंज करा लें। फिर बाद में आप फ़ोन करते हो कि सर मैंने तो ये स्टेट का लगा दिया, मैंने ये गलती कर दी, इतने साल पुराना मेरा कास्ट सर्टिफिकेट था मैंने वही लगा दिया। तो वो जब आपके पास समय है और आप बनवा सकते हो तो फिर ये गलती क्यों करते हो? ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से किस सेंट्रल का कहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, स्टेट वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, जो आपके प्रश्न हैं उनके सभी का जवाब आप मिल जाएगा। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे एएलपी की तैयारी करना चाहते हैं परीक्षा प्लस मात्र 499 रुपये में पूरा फुल बैच सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की तैयारी आपका कराएगा। आप live.parikshaplus.org पर जाएंगे या परीक्षा प्लस एप्लीकेशन आप ऑन करेंगे तो आप वहां से जाके बैच को परचेस कर सकते हो। ये वेबसाइट के थ्रू कोर्स आपका दोनों तरफ वीडियो आप मतलब दोनों ऐप पे भी देख सकते हो और वेब पर भी देख सकते हो। ये 499 का है, इसमें एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की आपकी तैयारी होगी। लाइव क्लासेस, रिकॉर्ड पीडीएफ नोट, सेशनल टेस्ट, डाउट सेशन, ये सब कुछ आपको 499 में सब कुछ मिलेगा। पीडीएफ नोट्स भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। आप डेमो देखना चाहते हैं तो यहाँ जाके डेमो देख सकते हैं, सब कुछ डेमो लगाया गया है। पीडीएफ नोट्स के भी डेमो आपके लगाए गए हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट पर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फोटो आपकी रिसेंट की होनी चाहिए बच्चों, मतलब चलो ठीक है फोटो, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आपका फोटो है और सिग्नेचर है, ये काफी लोग गलत कर देते हो। हाँ, सिग्नेचर है, ये आपका क्या करना चाहिए, फोटो जो होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, कोई भी चश्मा मास्क ये सब लगा के नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फोटो की एक ध्यान रखिएगा, बोला गया है इसका जो फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कलरफुल बैकग्राउंड मत करना। बार बार आप लोगों के पास जो भी फोटो होता है बिना कुछ पढ़े उढ़े आप लोग अपलोड कर देते हो उसको। और इसका जो केबी होगा, जब भी आप फोटो खिंचवाने जाइएगा आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये 30 से 70 केबी के बीच में ही इसको रखिएगा, दोनों को ये ध्यान रखिएगा। ये तो वाइट बैकग्राउंड में आपको इसका क्या होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, कलर बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, कोई चश्मा नहीं लगाना चाहिए, एकदम साफ सुथरा बढ़िया सा एकदम वेल मेंटेन हो के, दाढ़ी वोड़ी बड़ी हो तो कटवा लेना, ठीक है। उस हिसाब से आपकी फोटो होनी चाहिए कि ताकि आप पहचान में आ जाओ जब भी एग्जाम देने जाओ, ठीक है। सिग्नेचर भी आपका 30 से 70 केबी के बीच का होना चाहिए, तभी आपका ये क्या होगा, अपलोड होगा। मैंने पूरे फॉर्म फिल कैसे करते हैं स्टेप वाइज स्टेप वीडियो डाला है, उसकी लिंक मैं यहीं पर लगवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा कि कैसे क्या क्या करना है, वहां पर मैंने पूरा डिटेल आपको बताया। अब बात करते हैं हम लोग कि कास्ट सर्टिफिकेट की, कि कास्ट सर्टिफिकेट हमारा कितना पुराना चल जाएगा। सर जी क्या स्टेट का चलेगा? कास्ट सर्टिफिकेट आपका स्टेट का चल जाएगा, जैसे ओबीसी का स्टेट का चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, ठीक है। अब एससी एसटी का स्टेट का चल जाएगा क्या? आप कहेंगे नहीं चलेगा, ठीक है। आप नया बना लो, आपका कोई दुविधा नहीं होना चाहिए कि चलेगा नहीं चलेगा, सीधे नया बना लो। कब का होना चाहिए? तो नया कब का होना चाहिए, मतलब आपको अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2023 के बाद का है तो आपका बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। मतलब यहां डेट मेंशन नहीं किया है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद का अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और सेंट्रल के एनेक्शन पर बना हुआ है, सेंट्रल का एनेक्शन मतलब यहां पर आप देखिए रेलवे ने कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, सभी का एक प्रोफार्मा एक फॉर्मेट आपको यहां पर दिया है। तो आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में बना है तब आप कहीं ना कहीं वैलिड माने जाओगे। और यह ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है, ये कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, चाहे आपका जो एक तरह से बात किया जाए जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, तो वो सभी की आप ऐसा नहीं हो कि अभी बीटेक लास्ट ईयर का एग्जाम बचा हुआ है लास्ट सेमेस्टर का फॉर्म फिल कर दो, नहीं, आप पास आउट होने चाहिए, ठीक है, आप पास आउट होने चाहिए तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए।
तो ये पूरा आप इसी फॉर्मेट में, जब भी आपको अगर नहीं बनवाया हो सेंट्रल का, अभी बनवाना है तो आप इसका प्रिंट ले लीजिएगा और इसी तरह से उनको बता दीजिएगा कि मेरा ऐसे बनना है, इसी फॉर्मेट में बनना है, वो पूरा इसी फॉर्मेट में आपको बना के दे देंगे। यहाँ सिग्नेचर, स्टेट यूनियन टेरिटरी डेजिग्नेशन, ये सब कुछ प्लेस टाइम टाइम लग जाएगा। ये आपका ये हो गया, ये एससी एसटी का हो गया। अब यहां पर देखो, क्योंकि ओबीसी का आपका स्टेट का इसलिए नहीं चलता है, सब सेंट्रल का ही बनाइए। स्टेट ओबीसी आप लोग कह सकते हो ना सर क्यों नहीं चलेगा, तो स्टेट ओबीसी में कुछ ऐसी होते हैं जो आपके सेंट्रल के लिस्ट में नहीं आते हैं ओबीसी में, इसलिए आप सभी जिनके पास स्टेट की ओबीसी है वो ध्यान रखिएगा, अगर आप सेंट्रल के ओबीसी में आते हैं तो वो जरूर बनवा लीजिए अपना सेंट्रल वाला ओबीसी सर्टिफिकेट। तो यहां आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपके सामने यहां पर दिया है। दिस इज आल्सो टू सर्टिफाई डेट ही सी डज नॉट बिलोंग टू द पर्सनल सेक्शन ऑफ क्रीमी लेयर मेंशन इन द कॉलम थ्री। ठीक है, जो तीन लेयर में आपके मेंशन किया गया है क्रीमी लेयर, अगर आप वो नहीं है तो आपको ये पूरा आपको नॉन क्रीमी के लिए आपको ये ओबीसी का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। उसके बाद से यहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको देना है यहां पर, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रोफॉर्मा फॉर डिक्लेरेशन टू सबमिटेड बाय अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हु हैड अप्लाई फॉर द पोस्ट अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। मतलब आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है और एक आपका ये वाला तो रहेगा ही कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का ये प्रोफॉर्मा रहेगा, और एक आपका सेल्फ डिक्लेरेशन दोगे कि हम उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां पर आते हैं हम लोग इनकम एसेट और इनकम सर्टिफिकेट, मतलब ईडब्ल्यूएस वाला है ये आपका क्या है, पूरा ईडब्ल्यूएस का है। तो ईडब्ल्यूएस का यहां पर पूरा फॉर्मेट आपको दिया गया है, सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस है ये, सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए ईडब्ल्यूएस वाले जितने बच्चे हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपका ईडब्ल्यूएस है, नहीं है स्टेट का है, अरे बनवाने में कितना समय लगता है, मुश्किल से 10 से 15 दिन लगता है, तो बनवा लो। ठीक है, झिकझिक से एकदम आराम पा जाओगे हमेशा के लिए, तो सेंट्रल का रहेगा। और वैसे भी ये जो होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक साल के लिए ही वैलिड होता है, ये ध्यान रखिए, इसी फाइनेंशियल ईयर का होगा तभी वैलिड होगा। तो इसे दोनों बनवा लो, अगर स्टेट का है तो छोड़ दो, स्टेट रहने दो, स्टेट की वैकेंसियों में काम आएगा, इसको एक सेंट्रल वाला भी बनवा लो ताकि आपके स्टेट सेंट्रल की वैकेंसी में काम आएगा। तो ये आपका इसका हो गया। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए है, यहां पर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपका दिया गया है कि इनकम सर्टिफिकेट आपको कैसे बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। इनकम सर्टिफिकेट भी इसी बार का होना चाहिए। तो ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जो आपको लगेगा उस टाइम, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से आपका यहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज फॉर वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फी। एग्जामिनेशन फी के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा है, वो जो आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो उसके लिए ये है, उसका फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। बाकी ये मेडिकल वाला मैंने बता दिया था कि मेडिकल भी आप अपना करा के रखिए, मेडिकल का पूरा ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, कहीं अपलोड करने के लिए अभी नहीं मांगेगा आपको, सीधे सीधे कहां पर मांगेगा, जब भी आप डीवी के लिए जाओगे तो वहां पे आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, अपनी आंख चेक कराइए और जितने भी ये टेस्ट दिए गए हैं नियर विजन कलर विजन, यहां उसका रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड मांगा है और जो आपका ऑब्जर्वेशन आएगा वो आपको यहां पर बनवाना है। तो सर्टिफिकेट आपका मेडिकल वाला हूबहू ये सब बनवा के तैयार कर लीजिए आप। ठीक है, ये मत सोचिए कि नहीं मैं बाद में बनवाऊंगा, अरे आंख चेक करानी है तो अभी चेक करा लो, पता चल जाएगा कि आप A1 स्टैंडर्ड है कि नहीं आपका मेडिकल में आंख का, अगर नहीं है तो फॉर्म ही मत फिल करिए ना आप, पहला काम तो सबसे पहले काम यही करिए, क्योंकि मैं सबसे जबरदस्त तरीके से आपका यही चेक होगा, चाहे आप लेजर कराए रहो चाहे कुछ भी कराए रहो सब पकड़े जाओगे। लेकिन ये पहले काम कर लीजिए कि अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट ये बनवा लीजिए, यहाँ पे जैसे फॉर्मेट दिया है इसका फॉर्मेट आप प्रिंट आउट निकालिए, इस फॉर्मेट को प्रिंट आउट निकालिए, यहाँ फोटो सहित सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट जैसे फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट पे आप इसी का प्रिंट आउट निकालिए, वहां पे जाइए, वो आपको इसी फॉर्मेट पे मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, उनसे बोल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से यहां पर देखिए लेजर के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन, प्रोफॉर्मा ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन कि आपने लेजर नहीं कराया है,
इसका डिक्लेरेशन आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो ये चीज तो जनरल है, इसको प्रिंट कराइए, अपने हाथ से भरना होता है सेल्फ डिक्लेरेशन, अपने हाथ से भर के अपना सिग्नेचर करना होता है। ये चीजें सभी आप पहले से क्या कर लो, ये सभी पहले से तैयार कर लो, खासकर मेडिकल और कास्ट सर्टिफिकेट जरूर कर लीजिए, ये ध्यान रखिए। उसके बाद से ये एक्स सर्विसमैन वाले हैं जो, वो आप अपना यहां पर दे सकते हो, इनका एक प्रोफॉर्मा है, ऐसे आप सर्टिफिकेट अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये सभी सर्टिफिकेट आपका, जितना भी अगर आपने डिग्री डिप्लोमा मार्कशीट नहीं ले आए हो तो वो भी अपना जो है कॉलेज से ले लीजिए, रख लीजिए अपने पास, ताकि जब डीवी आपका होगा तो कहीं ना कहीं आपसे मांगा जाएगा। तो वो चीजें आप लापरवाही मत करिए, जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है उसको अच्छा से रख लीजिए। और ये तो सबसे नेसेसरी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि आप सबसे पहला काम तो मेडिकल वाला करिएगा कि मेडिकल आप अपना सही से चेक करा लीजिए, A1 स्टैंडर्ड में आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड हुआ। अगर कोई और दिक्कत समस्या है आप सभी को तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ये समस्या हो रही है फॉर्म भरने में, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान किया जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।